नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और 2023 को लेकर के तैयारियां आज से ही शुरू हो चुकी हैं और इसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं, अभियानों के जरिए जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में आपको यह भी बताएं कि दरअसल बूथ विस्तारक योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी इस योजना को चलाने जा रही है और इस योजना के तहत हर एक बूथ पर कार्यकर्ता को 10 घंटे बिताने होंगे। पार्टी ने कार्यकर्ताओं के लिए संगठन नाम से एक ऐप भी बनाया है जिसमें बूथ के सभी कोर वोटर से लेकर यूथ बूथ विस्तारक योजना की सभी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि बूथ के सभी वोटरों की जानकारी भी होगी। संगठन ने कार्यकर्ताओं की को यह बताया है कि यह सदस्यता अभियान नहीं है, विस्तारक कार्यक्रम लोगों से जुड़ने के लिए है। इसमें दूसरे पार्टी के लोग भी किसी भी तरह से सहयोग देना चाहते हो तो उनसे भी सहयोग लें। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी खर चलो खर खर चलो अभियान के तहत मतदाताओं के बीच जाकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे और इस अभियान के तहत जन जागरूकता मतदाता सूची सत्यापन पर जोर दिया जाएगा और कांग्रेस के इस अभियान में शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक भाग लेंगे। वहीं दोनों पार्टियां आगामी चुनाव को देखते हुए अपना अपना जनाधार बढ़ाने में लगी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसका वोट बैंक बढ़ेगा। 2023 के चुनाव में बूथ विस्तारक योजना काम आएगी या फिर घर चलो घर घर चलो अभियान बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी इसको बहुत तेजी के साथ सफलता इसको इस कार्यक्रम के अंदर मिलती है। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे आप जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले जरा सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आखिर क्या कह रहे हैं। जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमने संगठन कार्य का विस्तार कार्य का सुदृढ़ीकरण इस अभियान में बूथ विस्तारक योजना हमारा महत्वाकांक्षी योजना है। प्रत्येक बूथ पर 10 दिन 10 घंटे ऐसे ठाकरे जी को समर्पित 100 घंटे प्रत्येक कार्यकर्ता 65,000 बूथों पर जाकर के इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक बूथ सक्षम बने ये हमारे अभियान तो मास्टर प्लान यहां पर तैयार किया गया है और बूथ विस्तारक योजना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है और इसी को लेकर के संगठन से जुड़े हुए लोग इस पर क्या कह रहे हैं जरा वो आप देखिए। मैंने तीन बातें कही। एक, संगठन के विस्तार को जनाधार को बढ़ाने वाला है। दूसरा, मैंने कहा कि जैसी हमारी विचारधारा में समृद्धि हो, विचारधारा का विस्तार हो, हमारी विचारधारा सदैव राष्ट्र प्रथम, एक वाक्य में कहूं राष्ट्र प्रथम, नहीं राष्ट्र को जो अच्छा है वो भाजपा के लिए अच्छा है, भारत माता की जय के लिए जो ठीक है वो हमारे लिए ठीक है, एक वाक्य की परिभाषा। और तीसरी बात, जो ठाकरे जी की परंपराएं, आचरण, लोक व्यवहार, सादगी, सरलता, सुचिता, ये तमाम प्रकार के पक्ष कई बार सरकार में रहने के कारण इन पक्ष पर और जोर देना पड़ता है। इन पक्ष के जो ठाकरे जी के रहे हैं उनको हम अमलीजामा पहनाएं। दुनिया में किसी राजनीतिक दल के इतने कम समय में 20,000 विस्तारक 65,000 बूथों पर हर दिन 10 घंटे देने वाले, जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 20 लाख घंटे बूथ के काम के लिए वहां नियोजित होने वाले हैं। कई बार ये बात निश्चित तौर पर स्पष्ट होने की जरूरत है कि 10 घंटे एक बूथ पर गुजारने के दौरान ऐप में जो समितियों का पंजीकरण है वो तो होगा ही, एक रजिस्टर भी दिया गया है उसमें भी पंजीकरण होगा, तमाम प्रकार के जो सूचियां हैं उसमें लिपिबद्ध होंगी, लेकिन इसके साथ साथ किसी परिवार में भोजन, परिवार का चयन, किसी परिवार में चाय, हितग्राहियों से संपर्क, अगर कोई खेलकूद के छोटा आयोजन है कोविड प्रोटोकॉल में तो उसमें सम्मिलित होना, देवस्थान में जाना, बूथ समिति का प्रशिक्षण करना, हमने 22 काम बूथ समिति के तय किए, अप्रैल अंबेडकर जयंती, 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस, जन्माष्टमी को साधु ठाकरे जी की जयंती, 25 सितंबर दीनदयाल जयंती और 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल जी की जयंती, इन 6 कार्यक्रमों को बूथ पर आयोजन करना, इनकी टोली बनाना, अलग अलग काम करना, पन्ना समिति का सुदृढ़ीकरण करना, मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना। हमने बूथों का भी ग्रेडेशन किया है जो चुनाव के आधार पर होगा, 2 विधानसभा के चुनाव
और एक लोकसभा का चुनाव, हमारा कौन सा बूथ ए है, कौन सा बूथ बी है, कौन सा बूथ सी है, जब वहां कहीं हम जीतते ही नहीं है, कभी जीत जाते हैं कभी हार जाते हैं, जहां जीतते रहते हैं और जीतते रहते हैं तो 70% से ज्यादा जहां वोट हमें लगातार मिलते हैं उसको हम ए प्लस की ग्रेडेशन भी अलग से देने वाले हैं। तो ये ग्रेडेशन देने का काम भी बूथ की टीम आने वाले समय में करेगी, लेकिन सी वाला बूथ बी में आ पाए, बी वाला बूथ ए में आ पाए और ए वाला बूथ ए प्लस में कैसे बने, जो हमारा 51% जनाधार बढ़ाने वाला काम है, वो इस पूरी समीक्षा के दौरान होगा, जिसके बारे में हम उनको प्रशिक्षण भी देने वाले हैं, अल्पकालीन प्रशिक्षण होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से बूथ को मैनेज करने के लिए और लगातार लोगों को अपने पार्टी के साथ जोड़ने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं, इसमें बूथ विस्तारक अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सिंह सलूजा इस पर क्या कह रहे हैं, सर वो आपको दिखाते हैं। 1 फरवरी से मध्य प्रदेश के अंदर घर चलो घर घर चलो अभियान की घोषणा की है। वहीं भाजपा की बात करें तो बूथ पर जाने की बात कर रहे हैं। हमको तो वो दिन भी ध्यान है जब उपचुनाव में शिवराज जी जिस बूथ पर गए थे, जब बसंती कोल के वहां उन्होंने चूल्हे पे खाना बनवाया था खाया था, वो बूथ भी रेगांव का भाजपा हार गई। तो हम तो चाहते हैं कि शिवराज जी और वी डी शर्मा ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जाए ताकि उन बूथों पर उनकी करारी हारो, क्योंकि जहां जहां पेड़ पड़े इन संतन के ता ता हो बंटा ढार। तो यह तो ऐसे लोग हैं, अभी सूची जारी हुई है उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारकों की, उसमें मध्य प्रदेश के एक भी नेता को शामिल नहीं किया हुआ, क्योंकि पश्चिम बंगाल के इनके बूथों का रिकॉर्ड है, जहां जहां इन लोगों ने सभाएं करी वहां भाजपा की जमानत जब्त हो गई। तो निश्चित तौर पे नेतृत्व भी समझ चुका है, प्रदेश की जनता भी जानती है, और हम तो चाहते हैं कि शिवराज जी और वी डी शर्मा जी को ज्यादा से ज्यादा बूथों पर घुमाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को फायदा ही हो। नरेंद्र सलूजा की बातों को सुना है, वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बूथों पर घूमेंगे तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, लेकिन फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं और जल्दी से जरा आगे बढ़ते हैं। और दो खास मेहमान इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आनंद तारा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन सत्येंद्र जी शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, ये जो बूथ विस्तारक अभियान है, इस अभियान की मंशा क्या है, क्या तैयारियां हैं और क्या कोशिशें हैं 2023 को लेकर के रणनीति है? देखिए शुभेंदु जी, मेरा सवाल सर सत्येंद्र जी से, सत्येंद्र जी को हमारी जो जोड़ रहा हूं। हाँ सत्येंद्र है, सत्येंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? शुभेंदु जी भारतीय जनता, हाँ मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जी जी सर बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा हम जो विचारधारा लेके चले हैं, और देखिए आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उनके जो शब्द थे उन्होंने कहा था स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ, मतलब संगठन ही जीवन है, संगठन का विस्तार करना ही जीवन है, अगर उसका संकुचन हो जाए तो एक आपका संगठन समापन की ओर हो जाएगा। तो हम उस विचारधारा को लेकर चलते हैं और उसकी उसी उद्देश्य को लेकर के जो बूथ विस्तारक योजना जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी विस्तारक योजना है। और इस विस्तारक योजना में जो 10 दिन चलने वाली है, अभी उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें जो बूथ विस्तारक हैं जो प्रभारी हैं उन सब के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कल से जो हर बूथ पर मध्य प्रदेश के और मध्य समस्त नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी नेतागण हर जगह जगह जाकर के बूथ पर जाएंगे और बूथ का डिजिटलाइजेशन का कार्य करवाएंगे, बूथ विस्तारक के रूप में अपनी एक भूमिका निभाने वाले हैं। और इसके कारण हमारा जो उद्देश्य है, जैसा कि आपने अभी सुना कि राष्ट्र प्रथम हमारा जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो राष्ट्र प्रथम है, और राष्ट्र प्रथम लेकर के नेशन फर्स्ट लेकर के हम जाते हैं। और हमारा भारत का, हमारे राज्य का, जिस राज्य में हमें, हमारे मध्य प्रदेश का, और किस तरीके से हम उन्नतीकरण करें, किस तरीके से समुन्नत करें, और हम अपने संगठन में भी वही बात लेकर के आ रहे हैं कि सत्येंद्र जी इसका मकसद तो 2023 ही है ना। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि 2023 को लेकर के अगर आप रणनीति आज से तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि बीजेपी बहुत माहिर है, लेकिन अगर सरकार की योजनाओं का फायदा जनता को पहुंच रहा है, सरकार ने अगर जनता के हित के लिए योजनाएं चलाई हैं, तो ऐसे में जनता से जुड़ने के लिए आपको अलग अलग दूसरे अभियानों की या कार्यक्रमों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
क्योंकि अगर सरकार की जो कार्यक्रम है, जो सरकार जो काम कर रही है, अगर उसका असल मायने में जनता को फायदा पहुंच रहा है, तो इससे ज्यादा जुड़ाव तो किसी भी दूसरे कार्यक्रम से नहीं हो सकता। मैं बता देता हूं शुभेंद्र जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया, मैं वही कह रहा था। देखिए, आपको पता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में ये कहा था कि देखिए, हम जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, नेता आते हैं नेता जाते हैं, लेकिन ये देश बचना चाहिए। और हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, आप ये ना कहें कि हमारा ये उद्देश्य नहीं होता कि चुनाव के लिए हम कर रहे हैं, हम हमेशा सतत ये कार्य करते रहेंगे। और आप देखिए, चुनाव अभी दूर भी हैं, लेकिन हमारी पार्टी का आप अगर देखिए भारतीय राजनीति के इतिहास में आप उठा लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी ही समस्त पार्टियों में एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यक्रम संपूर्ण देश भर में चलते रहते हैं। और उसका ही परिणाम है कि आज हमारे 18 करोड़ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। समन्वयक, जैसा आप सभी समझा कहते हैं जनसंख्या कि बीजेपी को, बीजेपी को अपने बड़े नेताओं को संगठन और बूथ पर भेज करके आप ये काम करना चाहिए, लेकिन इससे फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा, वही कह रहे हैं। अब ये तो देखिए, वो तो यही करते रहे हैं जिंदगी भर। कांग्रेस के लोग ने क्या किया है, हमेशा जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे। बेटर होता अगर उन्होंने अपने संगठन को मजबूत किया होता, अपने संगठन में वो चुनाव नहीं करवा पाते। आज भी देखिए चला रहे हैं, वो भी अभियान कालिक अध्यक्ष नहीं है, घर चलो अभियान वो भी शुरू कर रहे हैं, कहां चला रहे हैं आप देखिए संगठन। कांग्रेस का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उनका अंतरिम अध्यक्ष ही, अभी वो कितने साल से अंतरिम अध्यक्ष चल रहा है आप देखिए, वो भी फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष नहीं है। और आप देखिए जिन जिन नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने निर्वाचन की मांग की कांग्रेस के अंदर, तो उन लोगों G23 जो नेता थे उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किस तरीके से उन सबका, देखिए आपको याद है किस तरीके से कपिल सिब्बल के घर पर जाकर के उनके घर में उनके घर के खिड़कियों के कांच तोड़े गए, उनकी कार को नुकसान पहुंचा दिया गया। इस तरीके से इन्होंने जो अपने ही पार्टी के नेता हैं और उनकी बात कही हुई बात को कांग्रेस ने किस तरीके से उनका अपमान किया, तो आप उनकी बात को क्या कहें। अगर बड़ी चिंता है, अपने आत्म साक्षात्कार कर लेते, आत्म अवलोकन कर लेते तो ये होता। मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात को लेकर के चलती है और उसी को लेकर के कि संगठन को विस्तार करना ही जीवन है, ठीक है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति है विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है, और हमें विस्तार करना है और हमारा उद्देश्य भी है। देखिए लोकतंत्र में विस्तार बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस भी कर रही है ना, कि चुनाव होते हैं हर साल में। मैं जरा आनंद जी को भी जरा जोड़ रहा हूं, मैं आनंद जी को भी जरा जोड़ लेता हूं। चुनाव होते हैं तो चुनाव के लिए लक्ष्य है, हां ठीक है, आनंद जी को भी जरा जोड़ रहा हूं। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी अगर एक्सपैंड करे, विस्तार करे तो वो बड़ा अच्छा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का विस्तार तो नजर ही नहीं आता है, वो ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए कांग्रेस तो जनजन की पार्टी और जनता के अंतिम व्यक्ति को देश की मुख्यधारा में जोड़ने की हमेशा से कोशिश की है, चाहे देश की आजादी हो चाहे आज का दिन हो। ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये नहीं बता पा रहे कि हमने विकास क्या किया है। विकास की बात नहीं करेंगे, सरकार की नीतियों की बात नहीं करेंगे कि सरकार की कौन सी अच्छी नीतियां थी जो हमने जन जन तक पहुंचाया। क्यों लोग आत्महत्या करें ये नहीं बताएंगे, क्यों हमारी बेटियों का उनके साथ बलात्कार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, वो नहीं बताएंगे। क्यों पढ़े लिखे लोग, सर्विस करने वाले लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है वो नहीं देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी से हम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर चले जाए रात में 8 बजे के बाद, तो हमें अपने सुरक्षा का भय रहता है कि कहां हमें दिक्कत हो सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बारे में बात करें, हम तो जन जन तक जाकर इनकी बातों को बता रहे हैं कि इनकी क्या विकास की बात की, इन्होंने कौन से वायदे किए थे और आज ये धरातल पर। लेकिन सर सत्ता में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए लोगों को तो अपने साथ जुड़ना पड़ेगा ना आनंद आनंद जी, इसके लिए क्या करना है? क्योंकि अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं है। नहीं नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कहें जनाधार नहीं होता तो अपन चर्चा क्यों करते। जनाधार तो है, इसलिए तो हमारी सत्ता में आई सरकार और इनको इतना डर लगा, इनके ऊपर केंद्र सरकार से लेकर मध्य प्रदेश के लोग तक घबरा गए कि अगर कमलनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं तो इनकी सरकार को गिराओ, और अगर सरकार को नहीं गिरा पाए हमारी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। नहीं वो तो ये कहते हैं ना कि जो विधायक आपके चुन करके आए थे वो आपकी आपकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। देखिए एक बात है, वो पुरानी बातें हो गई सर, वो खैर पुरानी चीजें हो गई हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं लेकिन सिर्फ आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं
कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि आपका जो जनाधार है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, शीर्ष नेतृत्व इस पर चुप्पी साधे बैठा हुआ है, आप घर चलो घर घर चलो अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या असल मायने में जो जनता है वो क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़ पा रही है? हाल ही में एक वीडियो भी कमलनाथ को लेकर के रिलीज होता है, सामने आता है, इस पे हाथों में वो बंदूक लेकर के नजर आते हैं, बहुत तेजी के साथ वायरल होता है, कांग्रेस पार्टी के नेता इसको लगातार शेयर करते हुए नजर आते हैं, तो क्या ऐसे छवि बनेगी? देखिए एक बात है कि आज मध्य प्रदेश का आम नागरिक त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के कुछ शासन से, और अगर लोग अपनी ये कोई कांग्रेस का कोई अधिकृत तो नहीं है जो आप बोल रहे हैं, जिस बात की कोई अधिकृत नहीं, लोगों ने अपने मन से बनाया, लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, और अगर वैसे हमारी जो विचारधारा वो गांधीवादी विचारधारा, हम तो अहिंसावादी लोग हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ये अगर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, अपना चेहरा देखने चाहिए कि किस तरह से लोगों की भावनाएं आज कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी की तरफ है, तो कमलनाथ जी निश्चित रूप से इन लोगों का अंत करें, क्योंकि जो शासन इन्होंने जनता को दिया तो इन्होंने भाई देखे, इन्होंने बोला कि पेट्रोल 30 रुपए करेंगे, डीजल 35 रुपए करेंगे, तो जो 35 और 30 के चक्कर में आज 100 के पार चला गया। नहीं, आपने सर अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, सुनिए ना सर, आनंद जी उपचुनाव जब हुए आपने महंगाई का इशू बनाया, आपने कहा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का आंदोलन भी उस वक्त चल रहा था, लेकिन इस सब के इतर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिलता है और जो आपकी सीटें थी उस पर भी आपको नुकसान पहुंचता है, क्या आपको नहीं लगता कि अब ये वो मंथन का समय आ चुका है कि आपको बहुत हद तक वापस से सोचने की जरूरत है कि क्या हमने खो लिया है और क्या हम आगे पाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, मंथन निरंतर होता रहना चाहिए और मंथन निरंतर कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, वो किस तरह से उन्होंने सरकार हटाई, पैसे के दम पे हटाई, किस तरह से बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कह रहे हैं पैसे के दम पर, सरकार में आदमी बैठे होते तो अधिकारी कर्मचारी सब डरे से में उगे रहते हैं, लेकिन जब आम चुनाव होंगे तब सब चीजें समझ में आएंगी, और ये सब चीज क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है हमेशा दबाव की रही है लोगों को दबा के, और अगर सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए तो कहीं ना कहीं दबाव में गए, ये मेरा आरोप है कि सिंधिया जी अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो कांग्रेस के नेताओं से तस्वीर करेंगे, ये किसी ना किसी भारतीय जनता पार्टी के उनके खुद के पारिवारिक कारणों से उनके व्यक्तिगत कारणों से दबाव में गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चक्र है दुष्चक्र है। आपने उत्तर प्रदेश में कितने लोगों मुंह पर छापे मारे, क्या ये छापे चुनाव के टाइम पे मारे जा सकते थे? बहुत शुक्रिया सर दोनों खासमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, लेकिन क्या अभियान इस अभियान के जरिए जनता को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिशें हैं क्या वाकई में वो रंग लेकर के आएंगे और किस राजनीतिक दल को कितना फायदा होता है ये फिलहाल आने वाला समय ही बता पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।